कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। आराम से आराम से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आराम से। आराम से आराम से आराम से। कुर्सी ठीक है? हाँ सही। देख भाई कितनी खिदमत कर रहा तेरी, अब ये बस सारी उम्र याद रखना, इसी ने तेरे कर्जखाओं को भी निपटाया है, तेरे ससुराल वालों से भी निपट रहा है आजकल। सिर्फ मेरा ससुराल थोड़ी है, इसका भी तो है, आपका भी तो है। अम्मा आज यही कहने के लिए आई थी। चल भाई क्या बात? यही के किसी दिन तुम और शकील आ जाओ तारीख मांगने के लिए। हाँ भाई थोड़ी बहुत पैसे दे दिए ना, अब अपनी बेटियां जल्द से जल्द हमारे सर पे मिलना चाहती हैं वो। किसी बातें कर रहे हैं आप, ये आज नहीं तो कल होना तो है ना? ये हाँ तो होना तो है, मगर हालत तो देख ले अपने बेटे की, बेरोजगार बैठा है, पैर पे गोली लगी हुई है, बिस्तर पड़ा हुआ है, कर्जखा सर पे चढ़े हुए, ये हालात है शादी करने के? ऐसे हालत में शादी कर दो, घर पे ले आओ उनको। खुदा का खौफ करें, मैंने तो आपको सिर्फ वो बात बताई है कि अम्मा आई थी तो क्या कह रही थी। अब एक बात है, बड़ी मतलब परस्त और मौका परस्त है तुम्हारी अम्मा। अब पैसे दे दिए ना, छुरी लेके हमारे हलक पे चढ़ के बैठ जाएंगी वो, और जब तक शादी नहीं होगी ना चैन से नहीं बैठेगी वो। अब्बा ऐसे अल्लाह पे भरोसा करके घर तो बसाया जा सकता है ना? अबे चल, पैर पे गोली लगी हुई है, बैठा जा नहीं रहा, सीधा शादी करेगा, घर बसाएगा भाई। अबे खानेगा भाई, मैं तो शादी नहीं करूंगा, जब मूड होगा पैसे होंगे तब करूंगा। हाँ तो पैसे तो कभी नहीं होंगे फिर, क्योंकि टिक्के काम तो कोई करते नहीं हो। तो फिर क्या जवाब दूं मैं अम्मा को? तो साफ साफ कह के गई है कि तारीख लेने आओ। तो बिट्टू भी है कि सीधा सीधा बोल दे कि जब तक हमारी रमशा की शादी नहीं हो जाती इस घर में कोई रुखसती मुखसती होकर लड़कियां नहीं आ रही, कोई शादी वादी नहीं हो रही। बेचार पकड़ा यार उधर से, इसी को ख्याल है मेरा, बस तेरा तो हाथ ही नहीं हिलता। आते ये लो। थैंक यू। क्या हुआ है? शर्जी मैं मायरा की वजह से बहुत परेशान हूं। तुम जानती हो शायद मेरा वहां पे रिश्ता लेकर जाना उसके लिए अच्छा हो गया। रिश्ते की जिस कैद में वो बंद है, उस कैद खाने में दरार तो पड़ी। मैं आज तक तुम्हें कभी इतना सीरियस नहीं देखा, वाकई बदल गए हो। मैंने भी सुना है कि मोहब्बत बड़े बड़े लोगों को बदल देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फिश होकर ये सोच रहा हूं अपने लिए, मैं उसके लिए ये सोच रहा हूं, वो भले मुझे मिले या ना मिले, कि मैं उसका फायदा करना चाहता हूं, उसको इस कैद से रिहाई दिलाना चाहता हूं, ताकि अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजार सके। She doesn't deserve this. She's a very nice girl, यार। क्यों? क्यों किसी के साथ ऐसा हो? तुम पर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा सब।
बात है बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? चलो नीचे आओ, सबके साथ बैठो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? सलमान ने अपना और मेरा ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है। मेरी आने वाली सैलरी, ऑफिस से जो गाड़ी मिलेगी, वो हर चीज पे कब्जा करना चाहता है मम्मी। एक नंबर का लालची इंसान है, बहुत खुदगर्ज है। मम्मी आपको याद है मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गया था उस रात? उसने मुझे पुल से धक्का देके जान से मारने की कोशिश की थी। उसने मुझसे कहा कि अपने मुंह पे थप्पड़ मारो, अम्मी प्लीज मुझे बचा ले, अम्मी मुझे बचा ले, अम्मी प्लीज प्लीज मुझे उससे शादी नहीं करनी, अम्मी अम्मी प्लीज मुझे बचा ले। उसने मुझसे ये भी कहा है कि मैं किसी को ये बात नहीं बता सकती, किसी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए अम्मी, प्लीज अम्मी मुझे शादी नहीं करनी। ठीक कहता था वो। बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मुझे भी नहीं, लेकिन आप मेरी अम्मी हैं, आप मेरी मदद नहीं करेंगी? मायरा, तुम उसके निकाह में। अम्मी मेरी बात सुने। खत्म बात, सुनिए तुम। नीचे आओ तो। कहता था तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन आप मेरी अम्मी हैं, आप मेरी मदद नहीं करेंगी? मायरा, तुम उसके निकाह में। अम्मी मेरी बात सुने। खत्म बात। मैं ऑफिस जा रही हूँ, दाफिस। क्या मतलब, नाश्ता नहीं करोगे तुम? नहीं। ऐसी भी क्या जल्दी है दफ्तर जाने की? चलो आओ बैठो, नाश्ता करो। मायरा, तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट बना है, थोड़े से खा कर चली जाना। मुझे भूख नहीं है, दाफिस। इसे क्या हुआ है, तुमसे लड़ाई हुई? मुझसे तो कोई बात ही नहीं हुई। नहीं अम्मा, मुझसे भी कोई बात नहीं हुई, बस बता रही थी कि आजकल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। यही बात है
या कुछ और? यही बात है अम्मा, और क्या होनी है बात भला? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हो? हाँ, वो ऑफिस में ज्यादा काम है आज। मैं तो सोच कर आया था कि तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगा, फिर तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, तुम अंदर जाके नाश्ता कर लो, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, नाश्ते से ज्यादा तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। बैठो, ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। बैठो। तुम रोज ऐसे ही घर से निकलती हो? कैसे? सर पे दुपट्टा लिए बगैर? नहीं, मैं लेती हूँ, लेकिन आज इत्तेफाक से भूल गई। तुम दुपट्टा लेना भूल गई? ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, इस्लामाबाद गया हुआ, इसलिए गाड़ी मेरे पास है। जैसे ही वापस आएगा गाड़ी उसे वापस देनी होगी। तुम्हारे ऑफिस वाले ने तुम्हें गाड़ी देनी थी, उनसे कहो ना जल्दी करें। कहती हूँ। एचआर मैनेजर हो, गाड़ी तो जॉनिंग पे मिलनी चाहिए थी तुम्हें। बहुत काम है, अम्मी और रमशा को मॉल लेकर जाना है, मेरे अपने बहुत काम है, अभी पेट्रोल भी डलवाना। कहो तो लंच के लिए तुम्हारे पास ऑफिस आऊं? नहीं, मैं कुछ ऑर्डर कर लूंगी। तुम घर से कुछ नहीं लाती? नहीं, सुबह उठती हूँ तो मूड नहीं होता, और सुबह सुबह कौन बनाए टिफिन? सुबह सुबह सबका मूड तो बहुत फ्रेश होता, और टिफिन बनाने में देर कितनी लगती है? ऐसी गाड़ी आ जाएगी तो सबको बहुत सहूलत हो जाएगी। मैं खुद तुम्हें रोज पिक एंड ड्रॉप कर दिया करूंगा। कितने हो गए भाई? 4,500 रुपए में। हाँ, पैसे हैं तुम्हारे पास? वो मैं अपना वॉलेट भूल आया हूँ। कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे हैं भाई? 4,500 रुपए में भाई। 4,500? इतने नहीं है मेरे पास। अच्छा, कार्ड होगा ना तुम्हारे पास, वो दे दो, स्वाइप कर लेते हैं। ये लो भाई, पिन क्या है? 1910। 1910 है ना? ये लो भाई। ये अभी मैं रख लेता हूँ, वो वॉलेट भूल गया ना, कुछ पैसे निकलवाने होंगे, बाद में दे दूंगा तुम्हें।
हमारे ऑफिस वाले ने तुम्हें गाड़ी देनी थी, उनसे कहो ना जल्दी करें। एचआर मैनेजर हो, गाड़ी तो जॉइनिंग पे मिलनी चाहिए थी तुम्हें। सुबह सुबह स्ट्रेचिंग, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। बेचारी पाकिस्तानी लड़कियां। मतलब ये कि बेचारी पाकिस्तानी लड़कियां जब अपने फूल फूले मुंह से ये कहती हैं कि सब बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। ये फूल फूला मुंह क्या होता है? क्या पता क्या होता है, तुम्हारे मेरे जैसा ही होता होगा ना। तुम मुझसे दोस्ती करके ही दम लोगी ना? हाँ ना, तुमसे ना बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। और मुझे तुमसे ढिटाई की वाइब्स आती हैं। कितनी बुरी बात है ना। देखो तुम्हें ना अपने एंटेनास ना रीस्टार्ट करने की जरूरत है, ताकि तुम्हें दोस्तों से दोस्ती की और मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत की वाइब्स आ सके। अच्छा ठीक है, अब जाओ और मेरे लिए कॉफी लेके आओ। रियली? इसका मतलब है दोस्ती पक्की। अब जाओ क्या कॉफी लेके आओ। कॉफी खिंच जाएगी लेकिन मायरा। आपकी चाय ठंडी हो गई। मैं बस कुछ लिख रही थी, ठंडी हो गई चाय। मैं चाय गर्म करवा दूं आपकी? नहीं नहीं, आपको जहमत की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पी लूंगी। बुरा ना माने तो हम शेयर कर लें। क्या? वही बात, इसे सोचते सोचते चाय ठंडी हो। जी वो मेरा छोटा दामाद है ना, बस उसकी वजह से कुछ परेशानी है मुझे। हाँ माया हमेशा बेटियों की वजह से परेशान होती। जी ठीक कह रहे हैं आप। मैं कुछ कह तो नहीं सकता, छोटी उम्र में बच्चियों का निकाह करके आपने अच्छा नहीं किया उनके साथ। अब तो हो गए नजीब साहब, अब कुछ किया नहीं जा सकता। क्या कहता है आपका दामाद, आपकी बात हुई उससे? जी बस वो घर में बात करने का मौका ही नहीं बन रहा कोई, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे कहां और कैसे बात करूं। देखिए आप उसके घर चले जाइए या उसे यहां बुला लीजिए। नहीं नहीं नजीब साहब, मैं घर तो नहीं जा सकती, और मैं सोच रही थी पता नहीं यहां बुलाकर उससे बात करना मुनासिब है या नहीं। देखिए नुज़रत साहिबा, अब वो जमाना नहीं रहा कि दामादों से दब के रहा जाए या उनको सर चढ़ाया जाए। आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी खुद मुख्तार हैं, यकीनन आपने अपनी बेटियों को अपने जैसा ही बनाया होगा, बल्कि अपने से भी बेहतर। बात सिर्फ एतमाद की। आप कुछ वो बात परेशान कर रही है, आप अपने दामाद से कर दीजिए। देखिए अगर रिश्ते तकल्लुफ से बनाकर चलें
को बहुत तकलीफ देते हैं। तकल्लुफ से निकले और कह दीजिए उससे वो बात जो आपको परेशान कर रहे। खैरियत? मुझे लगता है कि आपने अपनी मोहब्बत के इजहार में और मेरे घर रिश्ता भेजने में बहुत जल्दी कर दी। मुझे अब समझ नहीं आता कि आप और मैं सिर्फ दोस्त कैसे बनेंगे। मायरा प्लीज आप बैठिए, बैठ के बात करते हैं। आप इतनी नर्वस क्यों हो रही हैं? बैठ जाइए प्लीज। कहिए। आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप अपने दिलों दिमाग से मुझसे शादी करने का ख्याल निकाल देंगे। मैं किसी भी हाल में आप पे तासुर नहीं डालना चाहती कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। लिहाजा पहले आप ये बात क्लियर कर लें कि आपको मुझसे ऐसी कोई तवक्को नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दोस्ती की हाथों कभी पार नहीं करूंगा। समझ सकता हूँ आपकी बात। कही है कोई बात नहीं सुन रहा, कोई मेरी मदद भी नहीं करना चाह रहा। यहां तक कि मेरी खुद की अम्मी मेरी मदद नहीं करना चाह रही। मायरा, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, ना ही मैं कुछ जानना चाह रही, लेकिन यू कैन ट्रस्ट मी, आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हैं, जब चाहे एनी टाइम। इस वक्त भी हमारी बात कोई नहीं सुन रहा खुदा की जात के अलावा, और वही मेरा गवाह है कि मैं कभी भी हमारी बात कहीं आगे नहीं करूंगा, और मैं हर तरह से कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। सीरियसली, आई कैन हेल्प यू। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे नौकरी करवा रहा है क्योंकि वो नौकरी नहीं कर सकता। ऑफिस से जो गाड़ी मुझे मिलेगी उसने पहले ही कह दिया है कि वो मुझे ऑफिस से पिक एंड ड्रॉप किया करेगा ताकि बाकी के दिन गाड़ी उसके पास रहे। ये है उसकी प्लानिंग। मेरे साथ एक पर्सनल जॉइंट अकाउंट भी खोला है उसने, जिसका ATM कार्ड और ATM पिन उसके पास है। तो सबसे क्या पता चलता है कि मैं उसके लिए सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन। वो नहीं करता मुझसे मोहब्बत। और आप? सॉरी, मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन इस सवाल के जवाब के बगैर मैं शायद आपकी मदद ना कर पाऊं। क्या वाकई आप अपनी पूरी जिंदगी उस शख्स के साथ गुजारना चाहती हैं? बताइए मुझे। नहीं, मैं नफरत करती हूं उससे, शदीद नफरत करती हूं उससे। मैं आपसे छोड़ क्यों नहीं देती? उसे अलग क्यों नहीं हो जाते? मैं नहीं छोड़ सकती उसे। मैं आपको वजह भी नहीं बता सकती। ठीक है, मैं आपसे मजीद सवाल भी नहीं करूंगा। अगर आप नहीं बताना चाहते तो ओके। एक काम करते हैं, आप अभी मेरे साथ चलिए। कहाँ?
बैंक चलेंगे, आपका नया अकाउंट खुलवाऊंगे जो कंपनी के नाम से होगा। आपकी सारी सैलरी उसी अकाउंट में जाएगी और आप उसको साफ साफ बता सकती हैं कि अब आपके पर्सनल अकाउंट में हम लोग सैलरी नहीं भेजेंगे, जो कि हमारी कंपनी का असूल भी है। आप उसे क्लियरली कह दीजिए। लेकिन उसका तो एटीएम कार्ड सलमान के पास है। तो जब उस अकाउंट में आपकी सैलरी ली जाएगी तो वो निकालेगा क्या खाक? प्लीज मायर, आपको किसी तरह से तो कुछ मजामत करनी होगी, कुछ डट के मुकाबला करना होगा, उसको फेस करना होगा, ताकि वो ये जान सके आप एक इंडिपेंडेंट लड़की हैं और आपको अपने अच्छे और बुरे की पहचान है। मायर, वो शख्स आपको डिजर्व नहीं करता। मुझे नहीं पता कि आप उस काबिल नफरत इंसान से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़वाते। मुज़ाहमत करनी चाहिए, उससे दूर हो जाइए प्लीज। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर। लेकिन सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। यहाँ पास में ही मेरी एक फेवरेट कॉफी शॉप है, आपको वहाँ मेरे साथ जाके कॉफी पीनी पड़ेगी। इट्स नॉट वेरी फार, करीब है, ऑनेस्टली ज्यादा टाइम ही लगेगा। ठीक है, आइए। तो अभी तक हैरान हूँ कि आपने यहाँ क्यों बुलाया। आप कहती मैं घर ही आ जाता। घर पर शायद ठीक तरह से बात ना हो पाती। ऐसी कौन सी बात है जो घर पर नहीं हो सकती? मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे और मायरा के दरमियान कोई टेंशन चल रही है। अच्छा, आपने इसलिए बुलाया मुझे? तुमने उससे कोई सख्त बात कह दी है? क्या कहा है उससे? क्या? मैं नहीं, आपको लगता है मैं ऐसी कोई बात कर सकता हूँ? नहीं लगता ना बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुमसे खुद बात कर सकूं। उमानी जान, आप तो जानती हैं हम बचपन से ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं। मैं उसे कुछ कहता हूँ, आगे से चार बातें सुना देती है। अब उस दिन वो क्या कुछ कह रही थी मेरे बारे में आपके और नानी के सामने? उसके बाद ना उसे कुछ याद रहा, ना मुझे कुछ याद रहा। हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए। हम बचपन से ऐसे ही लड़ते रहते हैं, आप हमारी टेंशन मत लिया करें। टेंशन लेनी पड़ती है बेटा, क्योंकि अब तुम लोग छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए। एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो शायद मेरे और मायरा के इश्यूज भी बड़े हो गए हैं। लेकिन आपको पता है और नानी को भी पता है कि मैं मायरा से कितना प्यार करता हूँ। प्यार करते हो बेटा, तो उसे तुम्हारा प्यार महसूस क्यों नहीं होता? वो क्यों डरी डरी रहती है तुमसे? डरी डरी? आप कह रही हो मुझसे डरती है? अब इसी बात से अंदाजा लगा लें कि मुझे पता ही नहीं है कि वो मुझसे डरती है।
डर नफरत को जन्म देता है बेटा। वो नफरत करती है मुझसे, उसने ऐसा कहा? उसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा उसने। उसने आपसे मेरी शिकायत लगाई है, साफ साफ बताइए क्या कहा उसने? मैं बता चुकी हूँ बेटा तुम्हें, उसने मुझसे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि मैंने खुद महसूस किया कि वो तुमसे खिंची खिंची सी रहती है। मैंने उससे बात की, वो मुझे कुछ नहीं बताती, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि मैं तुमसे खुद बात कर सकूँ। अरे मानी जान, आप खामखा परेशान हो रही हैं। देखिए मायरा के और मेरे दरमियान नफरत का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानती है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। बेटा प्यार अपनाइयत का एहसास दिलाता है, तहफ्फुज़ का एहसास दिलाता है। अगर वो तुमसे डर रही है ना, तो इसका मतलब है कि उसे तुमसे अपनाइयत और तहफ्फुज़ का एहसास नहीं मिल रहा, बल्कि कुछ और ही मिल रहा है। बहरहाल मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन तुम्हें अपने एंड से सब कुछ ठीक करना होगा, ये बहुत जरूरी है। मेरी क्लास का टाइम हो गया है। खुदा हाफिज़। मुझे मजलूम बनना नहीं पसंद, और मजलूम बन के हमदर्दी बटोरना भी बिल्कुल नहीं पसंद। अब आप इसे मेरी खुद पसंदी कहें या मेरी बेवकूफी, लेकिन मैं हर हाल में अपनी जिंदगी खुदारी के साथ जीना चाहती हूँ। I can understand, मैं, आप जानते हैं कि मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? अब जैसे वासे मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वे वेरी क्लोज, हम लोग खुल के हर बात एक दूसरे से करते हैं, मैं उसे सब कुछ शेयर करता हूँ, वो अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ शेयर करता है मेरे साथ, तो दोस्तों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ मालूम होना चाहिए, नहीं? आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता दूं? You can trust me totally. और यकीन कीजिए मैं जजमेंटल नहीं हूं, मैं I will not judge you. आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं। कैसे मांगू टू